अब इन राज्यों में भी होने वाली है। स्वयं सहायता समूह में से बीसी सखी और बैंक सखियों की भर्तियां। आज इस वीडियो में बहुत ही खास जानकारी देने वाले हैं। महिलाओं के लिए महतारी सदन का भी आयोजन किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, और क्या है, कैसे, कहां की अपडेट है, पूरी जानकारी देंगे। वीडियो पूरे देखें, चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ग्राम पंचायतों में बनेंगे महतारी सदन, ग्रामीण सचिवालय का होगा आयोजन। तो ये अपडेट 18 जून को आई हुई है। उप मुख्यमंत्री ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कामकाज की गहन समीक्षा की और प्रधानमंत्री आवास निर्माण के काम में तेजी लाई जाए इसके आदेश दिए। कार्य योजना बनाकर इसे समय सीमा से पूर्ण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बड़े गांव के व्यवस्थित विकास के लिए भी कार्य योजना तैयार करें। ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक सप्ताह ग्रामीण सचिवालय का आयोजन किया जाए। इसी प्रकार पीएम जनमन योजना के तहत आदिवासी बहुल बसाहटों में मूलभूत सुविधाओं सहित सभी प्रमुख योजनाओं में जनजाति परिवारों को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि की कमी नहीं होगी। सभी ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए जा रहे हैं और इन्हें तेजी से पूर्ण करने के लिए कार्ययोजना बनाई जाएगी। समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, ग्रामीण विकास विभाग के। इसी के साथ बता देना चाहेंगे आप सभी को, स्थानीय लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए मेंशन की ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए और निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने वाले विक्रेताओं की सूची भी आवश्यकता पड़ने पर हितग्राहियों को उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा एक लॉट में स्वीकृत सभी आवासों का कार्य एक और गृह प्रवेश भी एक साथ हो। आवास निर्माण के साथ हितग्राहियों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिन ग्रामों गांव की दूरी बैंकिंग क्षेत्र से दूर है वहां के हितग्राहियों के लिए बैंक सखी CSC और बैंक के मोबाइल बैंकिंग वैन के माध्यम से राशि आहरण करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसी के साथ अधिकारियों ने बताया 1 दिसंबर 2023 से अब तक 1,39,000 आवास जारी की निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 62,577 का कार्य जारी है और उन्होंने कहा प्रतिमाह औसत 23,000 से अधिक घर बनाए जा रहे हैं। बैठक में उन्होंने बताया मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 47,029 आवास का लक्ष्य रखा गया, इनमें से 33,115 आवास का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसी प्रकार नेलानार योजना अंतर्गत 689 आवास स्वीकृत किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों के बारे में बात करें तो प्रदेश के ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए एक सुव्यवस्थित महतारी सदन बनाया जाएगा। यह सदन सर्व सुविधा युक्त होगा। इस सदन में महिलाओं की विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उप मुख्यमंत्री ने महतारी सदन की ड्राइंग्स डिजाइन का अनुमोदन करते हुए इसे तेजी से पूर्ण करने के आदेश दिए। महतारी सदन का निर्माण लगभग 2500 वर्ग फुट होगा। यहाँ बरामदा, एक बड़ा हाल, किचन, स्टोर रूम, शौचालय जैसी सुविधाएं होंगी। पानी के लिए ट्यूबवेल के साथ वाटर हार्वेस्टिंग भी किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसमें बाउंड्री वाल भी बनाए जाएंगे। ग्राम सचिवालय का होगा आयोजन। ग्राम पंचायतों में आने वाली समस्याओं, शिकायतों, प्रकरणों के निराकरण हेतु ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय लगाने के निर्देश बैठक में दिए गए। और यहाँ पर बताया गया है कि ग्राम पंचायत में प्रति सप्ताह विकास खंड स्तर में 15 दिवस में एक दिन ग्रामीण सचिवालय लगाने के निर्देश बैठक में दिए गए। अधिकारियों को इसकी मॉनिटरिंग के लिए पोर्टल बनाने के आदेश दिए। बड़े गांव का योजनाबद्ध ढंग से विकास होगा। इसके लिए प्रथम चरण में 3,000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँव का चयन किया जा रहा है। चयनित गाँव में के विकास के लिए भारत सरकार ने पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों के शैक्षणिक भ्रमण और छत्तीसगढ़ योजना को पुनः प्रारंभ करने के आदेश दिए हैं। अमृत सरोवर में गांव की सुविधा अनुसार पौधारोपण करने, पचरी बनाने और शौचालय बनाने के साथ ही मनरेगा अंतर्गत मानवीय सृजित हेतु रणनीति बनाने के भी आदेश दिए। और ये अपडेट जो थी खास तौर पर महिलाओं के लिए या आवास योजना के तहत अपडेट आई हुई थी। और बता देना चाहेंगे ये जानकारी आपको छत्तीसगढ़ की हम दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की यह नियम
शुरू होने वाले हैं। तो यह अपडेट है रायपुर छत्तीसगढ़ की। जैसा कि मैंने आपको बताया, महतारी सदन बनाया जाएगा, इसमें महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी। इसी के साथ ग्राम पंचायतों में बैंक सखी और बिजली सखियों की भर्तियां निकाली जाएंगी। और ये छत्तीसगढ़ की अपडेट है, उत्तर प्रदेश में तो बैंक सखी बिजली सखी चल रही हैं, लेकिन हर राज्यों में नहीं चल रही हैं, तो इन राज्यों में भी शुरू हो रही है। तो बाकी जानकारी कैसे लेंगे कमेंट करके बताएँ, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।